ओके, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप लोग आए। जो मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है वो जो हमने पिछली दफ़ा बात की थी उसके नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने का है। लेकिन क्योंकि कुछ लोग पहली दफ़ा इसमें शरीक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो है वो एक तरीके का रिपीट होगा। तो मैं माजरत चाहता हूँ पहले ही उन लोगों से जो सब चीज़ें पहले से देख चुके हैं। तो थोड़ी सी रिपीटेशन होगी, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द रिपीटेशन को ख़त्म कर लूँ। और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के वी कैन कम टू अ कॉन्वर्सेशन रादर देन कि मैं आपको कोई चीज़ बस प्रेजेंट करता रहूँ और हम ख़त्म कर दें इस बात को। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी है, जिसकी मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी, पाकिस्तान दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है और 140 मिलियन यंग लोग हैं जो अंडर 30 हैं। दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अगर हम इस वर्कफोर्स को सही डायरेक्शन में ले जाएं, एंड दैट इज अ ह्यूज लॉस अगर हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दें। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी ग्लोबली सबके सामने है वो एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, जो कि पोटेंशियली $50 ट्रिलियन की इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो ये पाकिस्तान अगर इस यंग पॉपुलेशन को इस ट्रैक के ऊपर सही तरह डाल दे, तो पाकिस्तान एक फेयर शेयर ले सकता है इस सारी एक्टिविटी का जो दुनिया में होने वाली है। तो बेसिकली हमने अपनी यंग पॉपुलेशन को लेना है, ओवरसीज पाकिस्तानी को क्या कहते हैं अपना पोजिशन देनी है ऐसी कि वो इस यूथ को गाइड कर सकें राइट डायरेक्शन में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में, और उसमें हमने आगे जाके काम करना है। इसमें हमारा यानी मेरी कंपनी आइडियाजिस का जो रोल है, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि हमने पाकिस्तान में आइडियाजिस के प्लेटफॉर्म को फ्री में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को प्लेज किया हुआ है। और पाकिस्तान के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव टोटली ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ला सकें। तो इस वक्त हम लार्जेस्ट इंक्यूबेशन प्रोग्राम है पाकिस्तान में, 40,000 से ऊपर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम में इनरोल हो चुके हैं, 80 से ऊपर यूनिवर्सिटीज हमारी पार्टनरशिप में हैं, 30 से ऊपर इंक्यूबेटर्स और एक्सेलेटर्स हमारे साथ पार्टनरशिप में, और हम ऑलरेडी नेशनली रिकग्नाइज हैं एज अ लीडर इन इंक्यूबेशन इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। पर ये पिछले कोई 1.5 साल से हम इन पार्टनरशिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो हमारे मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, लेकिन सबसे मेजर एरिया इन यूनिवर्सिटी इनमें यूनिवर्सिटीज का है। पिछले 5 महीने से हमने एक्टिवली काम शुरू किया है बाकायदा ट्रेनिंग का। तो जैसे मैंने बताया कि 40,000 स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हो चुके हैं, तकरीबन 3,000 ग्रेजुएट कर चुके हैं ऑलरेडी, 800 से ऊपर आइडियाज के ऊपर इस पर काम हो रहा है, 250-2,500 के करीब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, और 1,000 से ऊपर मेंटोर्स, जिनमें ज़्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो हमारे साथ कनेक्टेड हैं। और डिस्पाइट कोविड-19 हम 3,000 स्टूडेंट तकरीबन अब तक की ग्रेजुएट कर चुके हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम से, और ये सब कुछ हमने गवर्नमेंट का एक पैसा खर्च किए बगैर किया है। ये सब हमारी अपनी जो टीम है उसने ये सब काम किया है। गो के प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट के कोई पैसे नहीं लगे। इस काम को जो अब हमने जहाँ तक किया है उसको अगले लेवल पे ले जाने के लिए, और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको अपॉर्चुनिटी बताई है उसको अचीव करने के लिए, अब हम जो प्रोग्राम नेक्स्ट लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान 100। पाकिस्तान 100 का मतलब ये है कि एनर्जी एंड एंथुजियाज्म जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स का है उसको कनेक्ट किया जाए एक्सपीरियंस एंड ग्लोबल एक्सपोजर ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान, ताकि वो एक ऐसे सिस्टम में जिसमें वो वैल्यू क्रिएट कर सकें थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ये मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जो बच्चे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स निकल रहे हैं यूनिवर्सिटी से, उनके पास ग्लोबल एक्सपोजर नहीं है, उनके पास वो तजर्बा नहीं है, लेकिन उनके पास एनर्जी है, उनके पास एंथुजियाज्म है, और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके पास वो नॉलेज है जिसके थ्रू वो उनको आगे ले जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम 100 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स लॉन्च करें
दुनिया के स्टेज के ऊपर, ग्लोबल स्टेज पे, पाकिस्तान में नहीं, बाय 2022, तो तकरीबन 3 साल में। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इसमें, इस गोल के अंदर, इन स्टार्टअप्स के हवाले से, कि इंडिजिनस नीड्स को वो टेक्नोलॉजी कंपनीज केटर करती हों, लेकिन ग्लोबली स्केलेबल। तो खाली ग्लोबल स्केलेबल हो और पाकिस्तान में उनका कोई यूटिलाइजेशन ना हो, उसका फायदा नहीं है। और पाकिस्तान में यूटिलाइजेशन और उसको ग्लोबली स्केल ना कर सके, उसके ऊपर भी हम नहीं फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे उन टेक्नोलॉजी कंपनीज पे जिनमें ये दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। इसका तरीकेकार बिल्कुल सिंपल है। हर क्वार्टर हम एक आइडिया पिच कॉम्पिटिशन करेंगे जिसमें हम 10 आइडियाज सेलेक्ट करेंगे। उन 10 आइडियाज को सेलेक्ट करके उनको हम सेटअप करेंगे, लीगल स्ट्रक्चर, उनके एडवाइजरी बोर्ड, उनके मेंटोर्स, और फिर उनको कलेक्टिवली एक नेटवर्क के अंदर, एक इकोसिस्टम में उनको कलेक्टिवली सपोर्ट करेंगे कि वो पहले पाकिस्तान में सक्सेसफुल हों, अपनी प्रोडक्ट बना के लेकर आएं, डिज़ाइन करके, कंप्लीट करके, और फिर उसके बाद उनको ग्लोबली कैसे हमको पुश करना है मिलके, वो हम करें। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अब तक की पीछे हैं इसके अंदर, अगर हम इसी को कंपेयर करें इसराइल से फॉर एग्जाम्पल, या इंडिया से, जहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके के ऊपर स्टार्टअप को सपोर्ट किए जाते हैं। हम ये काम जो करना चाह रहे हैं वो ऐसे करना चाह रहे हैं जिसके अंदर लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकें और बेनिफिट भी कर सकें, एक कमर्शियल उसके ऊपर। यकीनन मुल्क का फायदा हमें चाहिए, और ये काम अगर हम करेंगे तो मुल्क का तो फायदा होगा ही। अगर वो स्टार्टअप फेल हो गई तो वो बच्चों का फायदा होगा, उससे भी मुल्क को फायदा होगा। तो लिहाजा वैसे लॉस तो कोई भी नहीं है, लेकिन जब हम इस सिस्टम को रन करें तो हम इसको ऐसे रन करें कि ये एक कमर्शियल बेनिफिट प्रोवाइड करे। इसका मतलब ये है कि जो लोग इस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं उन सबको बेनिफिट होना चाहिए कोई ना कोई, अगर नहीं होगा तो उसके अंदर वो विगर नहीं आएगी। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन का मतलब 3 तरीकों की इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट है आपके इंटेलेक्चुअल कैपिटल की और टाइम की, कि आप अपना दिमाग, अपना तजर्बा, अपना टाइम दे रहे हैं। दूसरी इन्वेस्टमेंट है आपकी सोशल कैपिटल की, कि आपके जो ताल्लुकात हैं, आपका जो नेटवर्क है उसको आप खोल रहे हैं, उसको आप अलाउ कर रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स हैं वो उस नेटवर्क को यूज़ कर सकें, आप उनको सेल के अंदर, उनकी उनकी पार्टनरशिप में उनकी मदद कर सकें। और तीसरा इन्वेस्टमेंट जो है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप अपने पैसे खुद लगाएं या पैसे जिनके पास हैं उन तक की उन स्टार्टअप को लेके जाएं ताकि वो उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। तो ये 3 तरीकों से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके रिटर्न के अंदर, इन कंट्रीब्यूशंस के रिटर्न के अंदर, इस सिस्टम में यू विल रिसीव इक्विटी इन दोज कंपनी। तो अगर आपने किसी कंपनी को कस्टमर प्रोवाइड किया है तो आपको उसके अगेंस्ट इक्विटी मिलेगी। अगर किसी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड के ऊपर आप आए हैं और आपने उसको सपोर्ट किया है तो आपको उसके अंदर इक्विटी मिलेगी। अगर आपने पार्ट टाइम CTO के तौर पे हेल्प किए कंपनी को, या आपने उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उसकी हेल्प की है, तो आपको उसी के हिसाब से कन्वर्टेबल नोट्स मिलेंगे, जो कि एक स्टैंडर्ड वाई कॉम्बिनेटर का, सेफ का स्टैंडर्ड है, उसको हम यूज़ करेंगे। और सारी कंपनीज जो इस सिस्टम में आएंगी वो सब की सब डेलावेयर में एज ए सी कॉर्प रजिस्टर्ड होंगी। तो इसका मतलब ये है कि वो यहाँ US के उसमें रेडी होंगी लॉन्च करने के लिए, और फ्यूचर के अंदर जब हम उन कंपनीज को लेके जाएंगे सीरीज ए की फंडिंग के लिए, तो उस वक्त वो US के अंदर बेनिफिट कर सकेंगी सारा जो यहाँ पे सिस्टम। तो सीरीज ए के टाइम के ऊपर जिन लोगों ने भी इक्विटी ली है वो चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं, और वो चाहें तो उस कंपनी के अंदर अपने शेयर्स को बाकी रखें, ये उनके ऊपर। तो एवरीबडी कैन डिसाइड फॉर देमसेल्फ्स। सो ये रफली ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेके चलना चाहते हैं। इसके पीछे 1,000 लोगों का नेटवर्क हम बनाना चाहते हैं जो बेसिकली पाकिस्तान 100 को सपोर्ट करेगा। और उस 1,000 लोगों का नेटवर्क जो हम बनाएंगे वो सिर्फ रेफरल बेस्ड नेटवर्क है। इसमें कोई हम जाके इसको ओपन मेंबरशिप सबके लिए नहीं कर रहे, किसी न किसी रेफरेंस के साथ उस बंदे को आना है। जो आएगा उसके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नोलॉजी में, बिजनेस लीडरशिप में या एंटरप्रेन्योरशिप में, आइडियली टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर, एंड मस्ट बी डिटरमाइंड टू इन्वेस्ट टाइम, कॉन्टैक्ट्स एंड मनी डिपेंडिंग ऑन द पर्सनल सिचुएशन। हम ये नहीं कह रहे कि हर एक को पैसे लगाने या हर एक को टाइम देना है, जो पर्सनल सिचुएशन, बट दे विल बी विलिंग टू हेल्प
इन ए मटीरियल वे, खाली जबान से बस कहना नहीं है बल्कि एक मटीरियल वे के अंदर सपोर्ट करना है. एंड मस्ट बी विलिंग टू टेक एटलीस्ट $20 पर मंथ मेंबरशिप पेड एनुअली टू सपोर्ट द मैनेजमेंट ऑफ दिस होल सिस्टम. क्योंकि अगर हमने इसको कमर्शियली चलाना है, प्रोफेशनली चलाना है, देन वी नीड टू मेक श्योर कि ये सिस्टम सस्टेनेबल है. इसके अंदर पार्टिसिपेशन के 3 लेवल हैं. लेवल नंबर 1 हम लीडरशिप काउंसिल उसको कह रहे हैं. इसके अंदर टोटल 50 लोग होंगे और ये फाउंडर का स्टेटस होगा इन सबके. जो 50 मेंबर हैं उनको ये एबिलिटी हम देंगे कि साल के अंदर वो $60,000 तक की इक्विटी अर्न कर सकते हैं अपनी कंट्रीब्यूशन से, अपना टाइम दे के, अपनी अपनी एफर्ट से, अप टू $60,000. दे विल गेट 3 वोट्स इन ईच क्वार्टरली पिच सेशन. तो इन लोगों को स्पेशल 3 वोट दिए जाएंगे कि हर पिच सेशन में जहां हमें 10 स्टार्टअप सेलेक्ट करने हैं वहां पर ये 3 वोट डाल सकते हैं. और इनको हर क्वार्टर में 1 free idea voucher दिया जाएगा. जो आइडिया सबमिट करेगा उसको $100 सबमिशन फी हम चार्ज करेंगे और इनको जो वाउचर हम देंगे वो कोई भी आदमी किसी को भी दे सकते हैं और वो उसको वो अपना आइडिया सबमिट करा सकते हैं. दे विल ऑल्सो नॉमिनेट 2 people फॉर द इनोवेटर्स बोर्ड एनुअली. इनोवेटर बोर्ड जो है हमारा वो एक फ्री मेंबरशिप है बाय नॉमिनेशन ओनली. ये वो लोग होंगे जो इसमें 1,000 की मेंबरशिप में नहीं शामिल होंगे, लेकिन एवरी ईयर दीज गाइज विल बी दी यू नो प्रोवाइडिंग एडिशनल इंटेलेक्चुअल कैपिटल. लेवल 2 हमारा कोर है. उसके अंदर क्या कहते हैं अपना 100 मेंबर होंगे टोटल और उनको कोर मेंबर का स्टेटस मिलेगा. दे विल हैव द एबिलिटी टू अर्न अप टू $40,000 इन इक्विटी. उनको 2 वोट मिलेंगे हर क्वार्टरली पिच के अंदर. उनको 2 आइडिया के वाउचर मिलेंगे साल में और 1 nomination फॉर द टॉप इनोवेटर्स बोर्ड. और लेवल 3 के ऊपर हमारे रेगुलर मेंबर हैं. उनकी एबिलिटी अर्न करने की $20,000 की है साल की. दे विल गेट ओनली 1 वोट इन ईच क्वार्टरली पिच और उनके पास 1 free idea का वाउचर होगा एक साल में. तो ये बेनिफिट्स हैं इन 3 लेवल्स. सो हम जो आज बात कर रहे हैं वो लीडरशिप काउंसिल की बात कर रहे हैं. तो लीडरशिप काउंसिल की कमिटमेंट में 4 चीज़ें शामिल हैं. एक तो एक्टिवली क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोग्राम एंड हेल्प साइन अप मोर मेंबर्स. जितना ज़्यादा हम जल्दी इस 1,000 के टारगेट को अचीव कर लेंगे उतना ज़्यादा हम तेज़ी के साथ अपनी असल काम की तरफ जा सकते हैं. नंबर 2, बी रिस्पॉन्सिव, अटेंड डेमो इवेंट्स, वोट इन द पिच कॉम्पिटिशन एंड थिंग्स लाइक दैट. तीसरी चीज़ ये कि विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स जिसमें आप पाकिस्तान 100 को रिप्रेजेंट कर सकें और साल के अंदर कम से कम 20 घंटे जो है उसकी कमिटमेंट करें कि वो किसी न किसी स्टार्टअप के सपोर्ट में 20 घंटे जरूर लगेंगे. तो ये लीडरशिप काउंसिल की कमिटमेंट है जो हम चाह रहे हैं. अब यहाँ से कुछ जो पहले हमने नहीं कवर किया था, तो जो लोग ये बातें कुछ आपको पहले से पता थी, लेकिन यहाँ से अब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं जिस प्रोसेस के थ्रू ये सब काम है. इस प्रोसेस के 3 स्टेजेस, सेलेक्ट, कॉन्फिगर एंड सपोर्ट. सेलेक्ट का मतलब है कि हमने कौन से आइडिया सेलेक्ट कर रहे हैं उसका प्रोसेस. कॉन्फिगर का मतलब ये है कि हम वो स्टेज जिसके ऊपर हमने सब चीज़ को रन करना है. और फिर सपोर्ट वो हमारा एक्टिव वर्क है जो हमने उन स्टार्टअप्स के ऊपर करना है. सेलेक्शन के अंदर एवरी क्वार्टर वी एक्चुअली विल हैव अ कॉल फॉर आइडियाज. जो आइडियाज सबमिट होंगे उनका पहले क्वालिटी चेक होगा, उसके बाद उनकी इनिशियल ड्यू डिलीजेंस होगी, फिर उनके ऊपर वोटिंग होगी जो सारे 1,000 मेंबर अपने वोट डालेंगे और उसकी बेस के ऊपर फाइनल सिलेक्शन होगी जो कि अनाउंस होगी. टोटली वोट बेस होगा और जो वोट दिए जा रहे हैं लोगों को वो उनको इस्तेमाल करने होंगे. अगर वोट नहीं इस्तेमाल करेंगे जाहिर है वो ज़ाया हो जाएंगे. वी हैव टू लुक एट कि अगर इनफ वोट नहीं कास्ट हुए हैं तो क्या हम री वोटिंग करें. ये एक क्वेश्चन है जो बाद में हम आंसर कर सकते हैं, बट रफली ये प्रोसेस है. जब हमने 10 आइडिया सेलेक्ट कर लिए तो उनको हम कॉन्फ़िगरेशन में डालेंगे. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि उनको एक थोड़ी सी रकम चाहिए होगी, कोई $2,000 $3,000 के करीब, जो प्री सीड फंडिंग राउंड के अंदर हम करेंगे, जिसकी बेस के ऊपर जिसके बाद उनके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, डेलावेयर में कंपनी बनेगी, उनके फाउंडर्स जो हैं उनके वेस्टिंग एग्रीमेंट प्रॉपरली साइन होंगे, उनकी एडवाइजरी बोर्ड फॉर्म होगा, उनके मेंटर्स
असाइन होंगे, उनके ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे, उनकी जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी होगी उसके साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट सेटअप होगा, और जो फाउंडर्स हैं उनके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, ताकि ये सब चीज़ें बन के तैयार होके एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हर चीज़ आ जाए प्रॉपरली, जिसको हम मॉनिटर कर सकें, जिसको हम ऑडिट कर सकें, जिसको हम देख सकें कि क्या हो रहा है। कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो एक्चुअल वर्क है, जो इसका ऑर्डर है, ये आगे पीछे हो सकता है कि पहले मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को डेवलप करना है क्विकली, अर्ली कस्टमर्स लेकर आने हैं, उसके बाद सीड फंडिंग राउंड करना है, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे पोटेंशियल कस्टमर आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उस स्टार्टअप को पुश करने के लिए वील हैव टू वर्क कलेक्टिवली। जो टाउन हॉल मीटिंग्स हों वो हम अटेंड करें, अगर कहीं इन काइंड किसी चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर फाउंडर जो हैं वो सिलिकन वैली आ रहे हैं तो हो सकता है कोई वहाँ रहता हो, वो अपने घर में उनको ठहरा ले। सो मैनी स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन डू टू बेसिकली मेक लाइफ ईजियर। इवेंचुअली अल्टीमेट गोल ये है टू गेट टू अ सीरीज ए फंडिंग राउंड। सीरीज ए फंडिंग राउंड का मतलब ये है कि देन एट दैट पॉइंट जो भी हमने इन्वेस्टमेंट की, अगर हम चाहें तो उस टाइम के ऊपर एग्जिट हो सकते हैं, या हम चाहें तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका जो एक्विटी मॉडल है उसमें बेसिकली ये जो पाई का साइज है ये एक्चुअल एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द बकेट्स। दीज बकेट्स आर गोइंग टू बी डिफरेंट साइजेस, लेकिन यहाँ पे इक्वल नजर आ रही है। इसमें जो फाउंडर्स हैं उनका शेयर होगा, जाहिर सी बात है उनका सबसे बड़ा शेयर होगा, जो अर्ली एम्प्लॉयज़ हैं उनका शेयर होगा, इन्वेस्टर्स का शेयर होगा, पाकिस्तान 100 का शेयर होगा, और एनी जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनर्स इसके अंदर आएंगे, कोई इंक्यूबेशन का प्रोग्राम है कुछ है, जो भी स्ट्रेटजिक पार्टनर्स इसमें आएंगे उनका एक शेयर होगा। ये जो इसकी एक्चुअल फिजिकल साइज है, यानी इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेजेस ये कितना होगा, ये एक हम स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो करेंगे, और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ही फॉलो हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि देयर विल बी एक्सेप्शंस जहाँ हमें डिसाइड करना होगा, और अगर ऐसा कोई डिसीजन होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप काउंसिल वो डिसीजन लेगी और कोई नहीं ले सकता। तो ये क्या कहते हैं हमारा टोटल प्रोग्राम है, यहाँ पर मैं स्टॉप करूँगा और हम फिर यहाँ से क्वेश्चन एंड आंसर जो भी आप लोगों के हैं उसके ऊपर आ सकते हैं। ये था टोटल अब तक, तो लेट मी ओपन इट अप। होपफुली आप लोगों को आवाज मेरी क्लियर आई होगी सारे टाइम में। माशाल्लाह इट्स वेरी क्लियर जी। सो टोटली ओपन, आप जो सवाल करना चाहें आपके जहन में आ रहे हो प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम हसन, मैं यूसुफ बोल रहा हूँ जी। तो मेरा बस सवाल ये है कि व्हेन आर यू थिंकिंग के पहला कोहोर्ट स्टार्ट होगा या पहली एक्टिविटी स्टार्ट होगी, आपके कुछ डेट्स हैं आपके जहन में? जब हमने अगस्त के पहले हफ्ते में, अगर याद हो, जब हम सोच रहे थे कि 14 अगस्त तक की हम लीडरशिप काउंसिल की जो रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा था कि सितंबर के मिड तक हम जो है वो अनाउंस करेंगे कोहोर्ट की रिक्रूटमेंट, जाहिर सी बात है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है मुझे लग रहा ये है कि हम अक्टूबर में ये कर पाएंगे, तो अक्टूबर विल बी आवर फर्स्ट कॉल इंशाल्लाह, और मेरे ख्याल में टाइमिंग भी परफेक्ट है क्योंकि फिर हम उसको नवंबर में जो ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप वीक है उसके ऊपर हम कंक्लूड कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड टाइमिंग, अक्टूबर का पहला या दूसरा हफ्ता मोस्ट प्रॉबली इज रियलिस्टिक। सो हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, काशी है जी काशी। सो is there any criteria for the selection for the cohort, like just like ideas jaise YC mein hota hai, so what is that look like? Ji to iske andar ek dekhen, isme teen step hai. Sabse pehle to quality ka criteria hai jo ki hamari team check karegi ki jo bhi entries ki ja rahi hain wo complete hain and they adhere to a level of quality, theek hai. उसके बाद सेकंड लेवल के ऊपर ड्यू डिलीजेंस के जो आइडिया या जो भी लोग उसको सबमिट कर रहे हैं वो सही हैं, उनकी जो भी बैकग्राउंड अगर चेक करना है तो वी बेसिकली मेक श्योर। इन दो हर्डल्स के बाद तीसरा हर्डल जो है वो वोटिंग है,
जिसके अंदर ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो सब अपना वोट डालेंगे, और वही वोटिंग ही मेन क्राइटेरिया है. इसमें जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने बताई, दो हैं. एक तो ये कि स्टार्टअप का आइडिया किसी पाकिस्तान की इंडिजिनस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो, और दूसरा ये कि वो ग्लोबली स्केलेबल है. ये दो बुनियादी तौर पर शराइत हैं. और तीसरी बुनियादी शर्त जो कि इम्प्लाइड है वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए. सो लेकिन उसको हम बिल्कुल टोटली टेक्नोलॉजी बेस्ड यूं नहीं कहना चाह रहे हैं कि बाज बिजनेस मॉडल की इनोवेशन जो है वो ग्लोबली स्केलेबल हो सकती है. सो हम उसको एक्सक्लूड ना करें, लेकिन इट इज़ अप टू द काउंसिल. हम इसको काउंसिल में शुरू में जब पहले स्टेज में जाएंगे तो उस वक्त हम काउंसिल में इसको डिस्कस करेंगे, एंड वी मेक श्योर के एवरीबॉडी एग्रीज टू इट. अस्सलाम वालेकुम हसन, दिस इज मोनी. क्या हाल है आपके? ठीक है. अच्छा, आई एम वेरी इंटरेस्टिंग ऑन दिस ऑल ऑफ दिस व्हाट यू हैव टॉक अबाउट एक्चुअली, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी रनिंग 3 or 4 कॉर्पोरेशन एंड आई एम डेलीवर एक्चुअली. सो आई एम आल्सो सेट अप जितने बिजनेसेस वगैरह हैं पाकिस्तान में, अपना सेटअप है. शरफ असल में हमारा ऑफिस है, वहाँ 30-35 पर पीपल आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं. यहाँ पे मैं हर महीने तकरीबन $20,000-$30,000 रेमिटेंस भेजता हूँ पाकिस्तान में बिजनेस टू बिजनेस. इसके अलावा मेरे 3-4 और प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एक्चुअली. आई एम ऑल्सो लुकिंग द पीपल हु कैन एंड डिलीवर ऑल द टेक्नोलॉजी थिंग्स एक्चुअली. सो आई एम ऑल्सो cloud architect. I was working with all big financial institutions like Chase, Barclays, Barclays Bank, Wells Fargo, Merck, and I'm a cloud architect. So I'm already running all these kind of businesses. So I think I can talk with you a one-to-one business because I have a lot of things to show you actually. And if you can set up some time with me, so I think it will take half an hour to describe all of my what I'm doing right now. And we have a people, 35 people in Karachi, and we have some people in Lahore also. So I'm set up a businesses like these kind of things. And I'm in Delaware, so I have 3 or 4 different corporations registered in Delaware actually. So I think I can help a lot of all these, because I know I'm working with this for the last 4 years actually. These businesses. Very good, Puneet. I'm totally committed to talk to each one of you one-on-one. Absolutely no issues whatsoever. इस कॉल के बाद यू नो आई विल शेयर विद यू गाइज माई नंबर ऑल्सो. अगर आपके पास नहीं है तो आपको मैं दे दूंगा. एंड यस एब्सोल्युटली आई वुड लव टू टॉक टू यू. Yeah, I want to show you what I'm doing and actually my all setup in Pakistan actually. So all the call centers and the technology people all are in Pakistan. So I'm already doing, I'm in this business actually. Very cool. So I want to show you all of my businesses, what I'm doing actually. So it can be help, and I can also help you if anybody wanted to open the corporation in Delaware. I can definitely help them. That's fantastic, because I think this is the kind of these are the ways that we can all, you know, kind of pitch in and help. Correct. In the whole you know setup. Absolutely. So Assalamu alaikum Hasan, this is Faisal. Said, so actually I'm also mera kuch isi tarah ki situation hai. I have one startup in Silicon Valley and I'm actually venturing a second startup and aur main jo hai usko Pakistan mein start karna cha raha hu, and then I would like to expand it to US as well. To mujhe yahi chah raha tha ki how can I contribute. So I saw your platform, so it's a very good initiative, so just wanted to see ways that I could contribute. Or any way I could help. हम लोगों ने जो है इन्वेस्टमेंट भी ली हुई है, तो उसके लिए पिचेस और ये सारी का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वी स्टार्टेड अ स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच इन सिलिकॉन वैली. सो इट वाज इट्स बीन लाइक अबाउट 5 years नाउ. सो नाउ आई एम डूइंग दिस अनदर वेंचर. द ओनली क्वेश्चन आई हैड वाज कि हाउ वुड इट कनेक्ट विद दिस, के अगर जैसे हमारा अपना चल रहा है हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं व्हाइल वी आर स्टिल वर्किंग ऑन आवर ओन स्टार्टअप्स, व्हिच इज आल्सो दैट इन माय केस आई एम अगेन सिमिलर टू प्रीवियस जन आई डिडंट गेट द नेम मुनीर. या सो मेरा भी जो है कुछ लाहौर में सेटअप है, कराची में जो बिजनेस टीम के साथ मैंने सेटअप किया हुआ है वो कराची में किया हुआ है. उसके अलावा लाहौर में जो है सॉफ्टवेयर टीम के साथ मेरा है, वहाँ पे तकरीबन 6 से
लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं तो जस्ट वांटेड टू नो के हाउ वी कैन डू दिस इन पैरेलल बट या आई एम ओपन टू एनी वे पॉसिबल जो भी बिल्कुल असल पहली तो बात ये कि माशाल्लाह वेरी गुड और जो आपने अचीव किया और जो आप कर रहे हैं देखें मकसद इसका ये है कि हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं इस इकोसिस्टम के अंदर जो लोग हैं जो भी वो काम कर रहे हैं इस इकोसिस्टम को उसको सपोर्ट करना है तो लिहाजा अगर आप कोई काम कर रहे हैं जो इस सिस्टम में लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं तो उनको एक तो ये कि ये बेनिफिट आपको भी पहुंचना चाहिए कि इसमें आपको आपकी कंपनी या आपका आइडिया जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें जो भी हेल्प कर सकते हैं लोग वो करें जहाँ तक कि आपकी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन का ताल्लुक है तो आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन इससे बड़ी क्या होगी यू ऑलरेडी हैव गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम सिलिकॉन वैली स्टार्टिंग अ कंपनी गोइंग थ्रू द होल प्रोसेस यू कैन मेंटोर एंड यू कैन गाइड अ लॉट ऑफ पीपल दैट ओनली डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव अगर आपके पास 5 घंटे हैं तो आप 5 घंटे दे दें 10 घंटे हैं तो 10 घंटे दे दें 1 घंटा है तो 1 घंटा दे दें आधा घंटा तो आधा घंटा दे दें आई थिंक दिस इज ऑल गोइंग टू बी ह्यूजली बेनिफिशियल श्योर इंशाल्लाह या अस्सलाम वालेकुम हसन मैं थैंक यू सो मच फॉर योर इनविटेशन मैं पिछली मीटिंग में नहीं था आज मुझे नजम भाई ने बताया तो जो मेरे 2 सेंट्स हैं बाय द वे शाहिद कुमार मेरा नाम है और मैं लुविल कंटेक्ट से हूँ अभी मुनीर भाई ने और इससे पहले जो भाई बोल रहे थे उन्होंने भी असल में वही बात की जो हम करना चाह रहे थे कि मैं थोड़े सा पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हूँ और ये जो इंक्यूबेशन सेंटर हैं तो वहाँ से मैं जाती तौर पर नहीं इन्वॉल्व लेकिन जो मेरी लर्निंग है उसको मैं थोड़ा सा अगर रिफ्लेक्ट करूं तो ये जितने भी इस ग्रुप में जो आप काउंसिल बनाएं तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि उन कौन जो भी आप लीडरशिप या फाउंडिंग जो होंगे उनकी आप एक्सपर्टीज ले लें चाहिए ये लोग हैं जिनकी ये एक्सपर्टीज हैं क्योंकि ये वो ऑलरेडी आपके पास आगे हैं हेल्प करने के लिए अब आप उनको आपको उनके क्लस्टर बना लें चाहिए यार ये टेक के इस एरिया के ये इस एरिया के इस एरिया के एक चीज़ तो ये होगी जब पाकिस्तान में आप पिच आइडिया पिच करें या पाकिस्तान से उठाते हैं यूथ उठाते हैं अब मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर जो मैंने देखे उनके पास आइडियाज ऐसा कि नहीं होते हैं या तो वो कॉपी पेस्ट वाले आइडियाज होते हैं अगर किसी के पास आइडिया है तो उसके पास फिर वो मेंटर नहीं है उसके पास वो कनेक्शन नहीं है कि वो जो बच्चा अगर आइडिया लेके आई है तो अब उसके पास वो कनेक्शन नहीं है तीसरी चीज जो आइडियाज लेकर आ रहे हैं वो इनफैक्ट ऐसा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का सॉल्व नहीं कर रही है ठीक है अब मैं 3 डॉट्स को कनेक्ट करना चाहता हूँ पहले तो आपने क्लस्टर बना लिया इन लोगों का जो आपके पास आ गए अपना टाइम दे रहे हैं कि हम आपका अपना तो इनके आप बना अच्छा यार ये लोग दूसरा मेरा ख्याल ये होगा कि उसके हिसाब से हम पाकिस्तान का अच्छा यार ये हमारे पास मेंटर्स हैं इसके अंदर हमें जो है ना बताएं कौन क्या कर सकता है उसके बाद फिर हम देखें कि उसी के अंदर कौन से ऐसे पाकिस्तान के प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर वो को बंदा उबर की ऐप बनाना चाहता है तो वो शायद रिजेक्ट कर देंगे हम ठीक है लेकिन अगर बंदा कोई एनवायरमेंट की मसला हल करना चाहता है कोई एजुकेशन का मसला हल करना चाहता है कोई पॉपुलेशन का मसला हल करना चाहता है या COVID-19 के बाद जितने लोग बेरोजगार हो गए या हमारी खवातीन घरों में बैठ गई अगर उनको कोई रोजगार देना चाहता है उस मसले को हल करें जो कि आप स्केल अप कर सकते हैं अच्छा ये अगर टारगेटेड होंगे 3 डॉट्स हम कनेक्ट कर लेंगे मेरे तजर्बे के मुताबिक मेरे ख्याल के मुताबिक इसकी सक्सेस रेट ज्यादा है एज कम्पेयर के हम 15 बंदे चले गए मेरा एजुकेशन के साथ अलग है वहां पे पता चला जी कि साइंस के अंदर ड्रग डिस्कवरी के अंदर कैंसर के अंदर कोई बच्चा इंटरेस्टेड ही नहीं है AI इस्तेमाल करने में तो मैं यूजलेस हूँ ना मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ अगर कोई बच्चा आई भी जाता है तो अब उसको मेंटर करना फिर उसको उस लेवल पे लेके जाना जब उसके पास वो रिसोर्स ही नहीं है पाकिस्तान में वो प्रॉब्लम ही नहीं मैं सॉल्व कर रहा तो मेरा ख्याल है कि हमें मेरे जाति ख्याल है दीज आर जस्ट टू सेंड एंड यू डोंट हैव टू एग्री विद दैट दीज आर जस्ट माय टू सेंट्स थैंक यू नहीं एब्सोल्युटली कमर देखें आपने शायद जो आपने बात कही है कि हम इसी वजह से जोर दे रहे हैं इस बात के ऊपर कि बुनियादी तौर पर आइडिया जो भी हो वो पाकिस्तान की रियल प्रॉब्लम को इंडिजिनस प्रॉब्लम को सॉल्व करे नहीं तो वो स्टिक ही नहीं होगा मतलब उसकी रूट्स ही नहीं होगी उसकी बुनियाद ही नहीं होगी कोई अब वो कहाँ से अगर कोई अमेरिका की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो वो यहीं बैठ के करे तो पाकिस्तान में बैठ के क्या करे तो ये बुनियादी तौर पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दूसरी बात जो आपने कही शायद उसमें हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमारे 1000 मेंबर होंगे
इसके पाकिस्तान 100 के, दे ऑल्सो आर गोइंग टू प्रोवाइड गुड आइडियाज. अगर हम इन तक जो है पाकिस्तान की जो चैलेंजेस हैं इनके सामने लेकर आए, तो इनमें से बहुत से होंगे जो आइडियाज दे सकते हैं इन बच्चों को कि इसको ऐसे सॉल्व किया जा सके. तो ये जरूरी नहीं है कि हम, तो बल्कि मेरी अपनी जाती तौर पर ये सोच है, हो सकता है गलत हो, कि मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बच्चे कोई बहुत मैच्योर आइडियाज लेकर आएंगे. एक्चुअली इनके आइडियाज इमैच्योर होंगे, लेकिन फिर हम उनको किसी शाहिद के साथ मिला देंगे, हम उनको किसी मुनीर के साथ मिला देंगे, हम उनको किसी फैसल के साथ मिला देंगे, वो उनको अपने उस आइडिया के नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे. मैं पिछले 5 महीने से आपको, जैसे मैंने बताया, हम लोग ये कर रहे हैं प्रोग्राम, और स्टूडेंट के साथ में कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट के अंदर हूँ. आप हैरान होंगे कि 10 मिनट आप बात करके उनकी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. 10 मिनट अगर वो जहाँ सोच रहे होते हैं वो प्रॉब्लम ही नहीं होती है, और एक दफा उनको आप मजबूर कर दें, खाली उनको बता दें कि देखो बेटा ऐसे इस प्रॉब्लम को ऐसे सोचो, तो मेरे ख्याल में हम ये इंशाल्लाह, जो आप तीनों जो आपने बातें की हैं, वी आर इंशाल्लाह गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल थ्री. थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? भाई अस्सलाम वालेकुम, इजाज़ बुखी फ्रॉम कैलिफोर्निया. सॉरी माय आई एम ऑन द डेस्कटॉप इन अ वेयरहाउस. एक्चुअली मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो अल्हम्दुलिल्लाह आईटी का है. And since I'm here in, I used to be in Jaffer Brother as a customer software engineer. नहीं भाई. Yes. कितने पहले की बात है Jaffer Brothers की. I resigned from Jaffer Brother in 94. And मैं शायद मैंने 1988 से 1991 तक की Jaffer Brothers के साथ बहुत closely काम किया, क्योंकि फतेह टेक्सटाइल मिल के अंदर मैं काम करता था, और पूरा wax का जो system था वो Jaffer Brothers के ने प्रोवाइड किया था. अरे माशाल्लाह माशाल्लाह. Jaffer Brothers में मेरे भी कजन्स वगैरह काम करते थे, नहीं वगैरह वगैरह आप जानते हो, नहीं को और उसको. अब तो जमाना हो गया यार, अब तो भी नहीं याद रहते होंगे. तो आप समी साहब को तो याद होंगे. समी साहब को तो जानता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह. तो समी साहब, अगर आप उनको बताएंगे, वो एक पागल सा लड़का था हैदराबाद से, तो याद रहेगा उनको. तो समी साहब है सुहाना. तो I was actually हमारी जो मशीनें होती थी पूरे पाकिस्तान में, उसकी MIS जो है रिपोर्ट नहीं बना सकी थी, तो that's why I was hired to generate a program to, you know, make the accountability of the machine. So that was very successful, mashallah. But then I end up I resigning in 94 because my brother opened a company in America and he wanted to set up the network. So I came here to set up the, you know, that time in the starting used to be ISP in Los Angeles and Beverly Hills area, down, you know, Glendale, all the LA area. Then we become, you know, web hosting company, all those things. So 20 years, you know, I'm here, but, and I have my own company, which we provide server hosting, exchange server, and all those things and IT support. Plus, you know, I'm heavily involved. I used to be behind the scene from 97 till 2012. I used to be behind the scene with different charity to help them. But now I'm in public, especially I'm heavily involved with the Helping Hand. I'm sure everybody knows. So mashallah, hamare over more than 400 employees in mashallah in Pakistan. And we're working all over. So meri taraf se jo hogi ki agar California mein kisi ne koi help chahiye, aur jo aapne 20 hours likha hai saal ke, I can give like 40 hours, you know. And then, because, you know, I manage my time because, you know, of the work we do. So, and I don't mind working till late. So California side se agar koi bhi help chahiye, yahan pe company open karni hai, ya koi aa raha hai, kisse milna hai. Aur phir inshallah marketing side pe meri ye koshish hogi ke main is ideas ko jo aap lekar aaye. And thanks to Najam bhai, because Najam bhai is our, mashallah, he always informs us for the good things. उस वक्त से नजम भाई से, तो अमेरिका में उनसे मेरी सिर्फ एक दफा मुलाकात हुई है 2-3 years ago. अगर नजम भाई सुन रहे हैं यहाँ पे तो नजम भाई, यू नो, लाइक हसन भाई ने जो काम किया, देखिये ये ऑल्सो मेरा जो काम करने का स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग आई डू आई इंक्लूड
यू नो अपने मजहब को अल्लाह को शामिल करके, तो ये एक सदका जारिया ही बन जाता है हम सब के लिए, हमारे वालदैन के लिए। तो हसन भाई, ये जो आपने जो ये प्रोजेक्ट शुरू किया है और हम सब साथी जो है यहाँ पे ग्रेट काउस, तो एनीथिंग यू नो इफ यू हैव एनी पर्टिकुलर आई कैन गो ऑन वन ऑन वन और टाइम वाइज एनी हेल्प एंड फॉर द मेंबरशिप, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज यू नो इफ यू हैव अ मेंबरशिप देन इट्स अ कमिटमेंट। It's like if you have something open and free, it doesn't work sometime, you know, but there should be some commitment that we all participate in some amount from here. And of course, it's going to benefit our future generation. You know, I can talk long and long, but inshallah, I'll finish here. And any question or anything for the future, I'm here. And thanks to all. Thank you. Jazakallah, Ijaz. This is the spirit. It's not easy. You know, to kind of just leave everything, go to Pakistan and, you know, and be there, you know. But I can tell you that every day when I speak to these young students, it gives me more strength to be able to do things. And mashallah, you are doing also really, really good things. So it's just awesome. Ye maqsad hai mera ke aap sab logon ke saath individually मेरी बात हो ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोग क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इट्स ऑल व्हाट वी हैव अवर स्ट्रेंथ्स दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टू, राइट। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि लोग लाखों करोड़ों डॉलर जमा करके इसके अंदर करेंगे। दीज स्टूडेंट्स एक्चुअली डोंट नीड दैट मच मनी, दे नीड मोर ऑफ अ गाइडेंस कि उनको करना क्या है उन आइडियाज के साथ। तो बहुत शुक्रिया आपकी ऑफर का। आपको 40 घंटे की ऑफर जो है ना वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, एंड वी विल फाइंड वेज टू यूज योर एक्सपर्टाइज फॉर एटलीस्ट फॉर द ईयर। इंशाल्लाह यू विल फाइंड मी बिकॉज़ यू नो देखिए मैं रहता तो अमेरिका में हूँ, एक चीज है मेरी आदत के आई ऑलवेज स्टे इन कनेक्शन विद द ईच, इवन इन पाकिस्तान बहुत सारे लोग एक्चुअली जब मैं जाफर ब्रदर में था तो आई ब्रॉट इन लाइक मे बी मोर देन 15 किड्स व्हेन आई गॉट अ चांस टू फॉर द ओरेकल ट्रेनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। माशाल्लाह उसमें से कुछ लोग जो है वो बहरीन में है, सऊदी अरब में है, कनाडा में है। तो इट्स लाइक यू सी दैट यू नो समटाइम यू हेल्प अ पर्सन लाइक एंड दे ग्रो एंड दे रिमेंबर यू, यू नो इन अ गुड वे। एंड इवन इफ दे डोंट रिमेंबर यू बट यू सी देम ग्रोइंग, दैट्स अ यू नो इट्स अ रियली इट्स अ ब्लेसिंग्स, यू नो। और टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर व्हेन एंड एज यू सेड व्हेन यू आर डूइंग समथिंग टू हेल्प समबडी, रियली यू आर आस्किंग फॉर योर रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह। एग्जैक्टली, या इवेंचुअली यू नो इट्स ऑल अबाउट what you did with your niyat ke aap chahte the usko help karna, aapne kiya, aage Allah reward dene wala hai. So bahut inshallah we will talk more. So Allah will reward you a lot of Hasan bhai, mashallah. I tell you inshallah we'll very positive, we'll see each other in Jannah, because this is something we can ask Allah and dedicate our time inshallah. Inshallah. Who is next? हसन भाई थोड़ा सा मैं मैंने कहा आप लोगों को बता दूं, ये मुनीर और एजाज बलखी, ये मैं आई नो देम फ्रॉम लाइक लास्ट मोर देन 30 इयर्स। तो काफी पुरानी हमारी पेट्रोमैन में एक होता था। पेट्रोमैन की बात कर रही हूं मैं, एक्चुअली आई डोंट नो वेदर यू गाइस रियलाइज आई एम वेरी ओल्ड। मैंने 86 के अंदर अपना कंप्यूटर का करियर 87 में स्टार्ट किया था। हम लोग पेट्रोमैन के 2 ईयर डिप्लोमा के थे साथ। हम लोगों ने 88-89 में डिप्लोमा खत्म किया था, 87 वगैरह में शुरू किया था, तो वहां से मैं जानता हूँ इनको। हमारा फर्स्ट बैच था, तो मुनीर ने जैसे बिल्कुल, तो मुनीर ने तो जैसे बताया कि वो काफी अरसे काफी चीजों में इन्वॉल्व है। एजाज का मैं ऐड कर दूं कि ही इज आल्सो वेरी मच इन्वॉल्व इन हेल्पिंग हैंड्स, आपने शायद सुना होगा हेल्पिंग हैंड्स का नाम, तो उसमें भी काफी इन्वॉल्व है। अच्छा, और शाहिद कमर भाई जो हैं, ये जैसे ने बताया केंटकी में, इन्होंने अपना बताया नहीं, ही इज वेरी मच इन्वॉल्व इन अ प्रोजेक्ट, आई मीन ही इज नॉट इन्वॉल्व, ही इज रनिंग द शो, द तकमील का प्रोजेक्ट है, teach a kid make individual life, jo ke Pakistan mein, I don't know how, let him give the details, but wo bahut sare bachchon ko taleem dete hain remotely,
through online classes and everything. So wo mashallah, he's a professor over there in machine learning and artificial intelligence inki speciality hai. माशाल्लाह। और वैसे शायद जब हमारी आपकी बात हो तो याद रखिएगा कि अखुवत फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है जो वो कराची में यही ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर रन कर रहे हैं, और हम खुद आइडियाजिस्ट वाले, हमारी कंपनी ने स्टार्ट किया है स्मार्ट स्टार्ट के नाम से डिजिटल ऑनलाइन स्कूल, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको कमर्शियल लेवल पे भी उसकी प्राइस पॉइंट इतना नीचे ले आए कि वो जो है अपना सस्टेनेबल वे के अंदर जो है लोअर इनकम वाले लोगों को भी प्रोवाइड कर सके. तो उनके साथ हमारी अखुवत वालों के साथ बातचीत चल रही है. वी कैन यू नो डिस्कस दैट फर्दर इंशाल्लाह. एनीबडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम नजम, दिस इज फरहान. आई जॉइंड प्रीटी लेट बट थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. फरहान, वालेकुम फरहान. आई डोंट नो हाउ मच डिड यू मिस. I missed a lot actually. I just joined about 5 minutes ago. I couldn't log in the same time. आपकी खुशकिस्मती ये है कि मैंने ये सारे सेशन को रिकॉर्ड कर लिया. चलो, थैंक यू वेरी मच. बाद में इंशाल्लाह भेज दूंगा. Definitely. सही. गजाला, आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ आपने पूछना हो? फर्रुख, आप बिल्कुल खामोश बैठे हैं. मैंने, मेरा क्वेश्चन टेक्निकल है. वो ये है कि मैं देख रही हूँ कि बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड लोग इस मीटिंग में हैं, और आई एम श्योर हम सारे रजिस्टर्ड हैं एम्पावर पाकिस्तान में, और अगर आई होप अगर सर्च करें तो मिल जाएंगे इन सब के रेज्यूमेज, या फिर हमें कोई कोई हमारा सर्च होना चाहिए कि अगर मैं सोचूं मुझे यहाँ पे हेल्प चाहिए तो पता चले नजम के पास है या शाहिद कमर के पास है या हसन के पास है, कहाँ है. जी हाँ, तो ये इंशाल्लाह हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ये हो. अभी बहुत सारे लोगों के जो प्रोफाइल्स हैं वो शायद मुकम्मल नहीं है. तो 2 महीने पहले हमने ये शुरू किया था कि जितने भी मेंटोर्स हैं उनको हम ये ऑफर कर रहे थे कि अपना CV या अपना रेज्यूमे भेज दें, और हमारी जो वॉलंटियर की टीम है वो फिर अपडेट कर देगी उसको ऑनलाइन. तो वो प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह अभी हम पुश करेंगे इसको दोबारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को की प्रोफाइल्स कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि प्रोफाइल कंप्लीट करना एक टीडियस जॉब है, और right. ऐसा होता है कि लोगों को मुश्किल होती है सारे को कंप्लीट करने में. लेकिन वो बच्चे हमारे जो वॉलंटियर्स हैं इंटर्न्स, दे आर प्रीटी गुड, तो इंशाल्लाह सबकी प्रोफाइल्स अपडेट हो जाएंगे. मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट तो की थी, लेकिन मुझे याद नहीं उसमें कुछ ऐसा है कि कीवर्ड्स डाल सकें हम ताकि सर्च उन पे हो सके. जी है उसमें कीवर्ड्स का? अच्छा, हैं कीवर्ड्स हैं. एक जो उसका लास्ट पेज है उसके ऊपर यू कैन यू नो यू कैन ऐड योर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, यू कैन ऐड योर टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस, उसमें सब आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं. अच्छा, गुड. गजाला, व्हाट इज स्मॉल वर्ड? आज ही मुझे कमर भाई ने इनविटेशन वो भेजा मीटिंग है. आई मैंने आपको देखा तो मुझे, मैंने कहा अच्छा ये है शाहिद कमर. बट आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू. आई एम रियली अ वेरी, आई रिस्पेक्ट द मील वेरी 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 मच. सो मैं हैदर हसन, शायद आप जानते हैं हैदर हसन को, वो मेरे रिश्तेदार हैं. जी जी, वो सारी चीजें एक साइड पे. मैंने आपका CV देखा, यू आर फिजिसिस्ट, तो मैंने भी PhD फिजिक्स में किया, कोई तो कॉमन ट्रेट्स है. और इसके ऊपर मुझे याद आया, अब हम साइड ट्रैक हो रहे हैं, लेकिन गजाला विमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान ने अभी एक फिजिक्स के ऊपर यू नो कॉन्फ्रेंस की थी, और अभी वो एक और ऑनलाइन करने वाले हैं इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड आई कैन कनेक्ट यू विद द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग देयर. तो थोड़ी सी वो अपना इंकरेजमेंट हो जाती है लड़कियों की जो साइंस में पढ़ रही है वहां पर. बिल्कुल बिल्कुल. आज शायद आज की खबर में मैंने देखा है कि हमारी जो नरगिस हैं पाकिस्तान से, नरगिस मलवल वाला, जी जी, MIT के अंदर, MIT के अंदर उनको डीन की पोजीशन मिल गई है, व्हिच इज सच एन ऑनर. एग्जैक्टली, मैंने भी देखे थे वो न्यूज़, माशाल्लाह. एनीबॉडी एल्स?
let me see, Naveed ने कुछ नहीं कहा, खामोश बैठा हुआ है. यूसुफ ने शुरू में बात की, फिर यूसुफ खामोश है, पर रुख साहब बिल्कुल खामोश बैठे हैं. हसन भाई, मैं बोल लेता हूँ कुछ थोड़ा सा, अगर बोलना ही है. अदनान, बोलो बोलो. मैं डेलस टेक्सस से, तो बहुत खुशी है सफर में आप लोगों के साथ शामिल होने की. आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ बैठ के अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, तो बहुत खुशी होगी ये करने में. तो आई एम मोर देन हैप्पी एंड विलिंग टू डू व्हाटएवर इज नीडेड टू गेट एनीथिंग दैट यू नीड. मेरा एक्सपीरियंस इतना खास नहीं है, माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे है. मेरा तो एक्सपीरियंस बिजनेस इंटेलिजेंस साइड पे, डेटा वेयर हाउसिंग और क्लाउड स्पेस में मैं आजकल काम कर रहा हूँ एक कंपनी के लिए यहाँ पे. और ये है मेरा बैकग्राउंड, तो जो भी आप समझे मेरे लायक, जो भी मैं कर सकूं, तो मुझे बताइएगा जरूर. डेफिनेटली क्लाउड की तो दुनिया है मेरे भाई, आजकल तो हर चीज क्लाउड में. यू कैन डू अ लॉट एक्चुअली मैन. एग्जैक्टली. अदनान, दिस इज फरहान. एक्चुअली आई एम इन डैलस टू, सो गुड टू नो दिस अनदर डैलस पर्सन. अरे वाह, जबरदस्त. कहां पे? आई एम डैलस में, इन लॉस कैलिनस एरिया. आई वर्क फ्रॉम मैकेसन. ओह अच्छा अच्छा, मैं फ्रेस्को में होता हूं नॉर्थ. ओके जी. मैकेसन ये जो एजुकेशन वाली कंपनी है? नहीं, मैकेसन जो है सब द बिगेस्ट प्रोवाइडर सप्लाई चेन. अच्छा जी. काशी है, मैं भी डेलस में हूँ. मैं वैली रेंज में हूँ, फरहान लास्ट मिनट से करीब. ग्रेट. काशिफ मिनेसोटा से, राइट? जी जी अदनान. जी जी अदनान भाई, तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को यार. हम तो जानते हैं, मिलते हैं, मिले हैं. मेरे सेल्स फोर्स वाले बड़ी यहाँ, सेल्स फोर्स में भी दो चार साल हम लोगों ने थोड़ा सा काम किया था. हसन, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट है 20 आवर्स अ ईयर, मेरे ख्याल में ये बहुत कम है. आई यू नो इतने अच्छे उसके लिए वी शुड बी थिंकिंग अबाउट 2 आवर्स अ वीक काइंड ऑफ स्टफ. So I think 20 hours a year is bahut kam hai, isko double triple up kar sakte hain. To I don't know, this is my opinion. Ye mera experience hai so far, maybe I'm wrong. Sustained jo hai na, year after year mushkil ho jata hai, insaan ki zindagi upar niche hoti rehti hai. To jo aapki minimum limit hai usko hum kam rakhein, lekin ye expect kare ki logon ke paas jab time hoga to wo zyada time denge. To is tarike se ye ki wo कमिटमेंट भी पूरी कर सकेंगे और जब उनके पास कैपेसिटी होगी तो ज्यादा भी टाइम दे सकेंगे. या आई थिंक आई एग्रीड ऑन दिस. पहले एक मैं बिजनेस ऑफर दे देता हूं. मैंने तो हमेशा बिजनेस अल्लाह के साथ किया है. जिनके पास आवर्स नहीं है वो अपने आवर्स मुझे दे दें, तो मेरे इंशाल्लाह आवर्स बढ़ जाएंगे, मेरी बरकत आ जाएगी. तो आई वुड बी विलिंग टू गिव मोर देन 20 आवर्स. मे बी आई कैन गिव 20 आवर्स अ वीक. हम यहां पर ये प्रोग्राम भी शुरू कर सकते हैं ना, लोग एक दूसरे के साथ आवर एक्सचेंज कर लें. हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है ना कि जब छुट्टियां आप नहीं ले रहे होते तो फिर आप उनको छुट्टियां अपनी दे देते हैं जिनके पास नहीं है, स्पेशली जो के हॉस्पिटल में बीमार है. तो आवर ले रहे, ये तो मेरा बिजनेस है, आवर देंगे तो मेरे तो दो के चार हो जाएंगे. आई एग्री. आई थिंक इट मेक्स सेंस. इसमें ये है कि अगर कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो एटलीस्ट वंस वन आवर पर वीक इज नॉट मच टू आस्क. तो इस तरह से 52 आवर्स भी आप वीक के हिसाब से देख रहे हैं तो 52 वीक हो जाएंगे. तो आई थिंक वन आवर अ वीक इज नॉट टू मच टू नो टू ऐसा क्यों ना करें कि हमारे जो काउंसिल की पहली मीटिंग हो उसके एजेंडा आइटम के अंदर ये पहली चीज रख लेते हैं कि मिनिमम कितने आवर्स होने चाहिए. हाँ, आई मीन उसमें कॉन्स्टेंट इन्वॉल्वमेंट भी होगा. ये भी नहीं होगा कि चलो दो हफ्ते काम नहीं किया फिर कर लिया. इसमें ये कि एक घंटा तो सब हर कोई दे सकता है. आई डोंट थिंक इज दैट टू मच टू आस्क. वन आवर अ वीक एंड देन इफ दे कैन डू मोर दैट्स ऑलवेज वेलकम, बट एटलीस्ट कंसिस्टेंट एंगेजमेंट इज द की. लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि काम जो है वो सर्जेस में आएगा. बिल्कुल. यू नो प्रोजेक्ट का ऐसा स्टेज है कि आपकी जरूरत नहीं है, फिर प्रोजेक्ट का ऐसा स्टेज है कि हाफ द टाइम दे आर लुकिंग फॉर यू. सो आई थिंक मे बी ईच वीक की रिस्ट्रिक्शन जरा ज्यादा हो जाएगी. आप मतलब आवर ज्यादा बढ़ा के प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकते. आपको प्रोडक्टिविटी देनी है, भले बजाय इसके आप ज्यादा आवर्स में अगर वो कम आवर्स में प्रोडक्टिविटी दे दें तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा वर्क करता है. एक चैलेंज ये भी कि देखें कि जो 20 आवर थे ना वो कम जो है ना उसमें आदमी ज्यादा इंटरेस्ट होता है काम करने में. मेरा जो एक्सपीरियंस है स्पेशली लास्ट 10 ईयर्स का कि यू नो व्हेन वी गेट इन द मीटिंग वी गेट एक्साइटेड,
we agree. And then once it becomes every week, the biggest challenge is a commitment. So what I would recommend that, you know, whoever from in this group, let's suppose we commit 20 hours. So we have to be committed for that hours. A challenge is that we will commit and then, you know, living in America or even if you live in anywhere, you know, life is same all over. Especially in the digital era, we are more busy. So what happened, like something will come from the family and then we give excuse and all those things. I think one thing I will recommend in the agenda item, we should put like, we should be very open without any hesitant. Let's suppose if we are busy, we can say, you know, this week we can't give any hours, but next month I'm open for 5 hours or 10 hours. Yeah. If we have the open relation in a group and comfortable with each other, the challenge is like, you know, if we are shy or reluctant, that, you know, Hasan Bhai will feel bad or Najam Bhai will feel bad. No, we have to be very upfront. And like I said, I put 20, 40 hours because Alhamdulillah, I know I can manage. And in 1 year, which is nothing, and the other brother who mentioned once a week, that is okay too. But once you put in a routine, let's suppose once a week, then maybe you, something else will come and then you will try to escape. So I think flexibles, and I will recommend this. Let's suppose when the some project comes and the help comes, it should be pitched to 5 people. Hey, who can take this task? So whoever is available, take it. This way, none of us feel like, oh, I have to do it. So this way you feel encouraged to do more, inshallah, you know. This is my suggestion, you know. No, that's absolutely correct. And I think this is the right approach. I have worked with, you know, I actually build a team of 600 people in 42 different countries, all volunteers working on a project that I was leading in my previous life. This is absolutely the case. You have the meeting, people are excited and everything. They make the commitments. And then the real life, no matter where they live, not just US, as you said, those things, you know, kind of take over your life. And, you know, so the flexibility is really the key over here. Instead of trying to, you know, make it like, okay, once every week, jaisa ke Adnan keh raha tha. लेकिन ये कि अ सीरियस कमिटमेंट कि अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग दिस इज व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग यस इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी आई एग्री विद दिस ये जैसे किसी के यहाँ कोई शादी में जाना पड़ गया 2 हफ्ते की छुट्टी हो गई या कुछ हो गया 2 हफ्ते तो 3 हफ्ते के लिए दे कैन नॉट कंट्रीब्यूट तो वीकली कमिटमेंट इज गोना बी टफ आई थिंक इट्स बेटर टू ईयरली कमिटमेंट इज अ बेटर आइडिया एंड एज यू सेड के 20 मिनिमम कर लें तो चांसेस आर के 40-50 इज वेरी रीजनेबल राइट और 1 साल के बाद वी कैन लुक एट इट वी कैन बेसिक बिकॉज़ वी विल बी कीपिंग ट्रैक राइट सो इन 1 year's time वी कैन लुक एट द पैटर्न्स एंड वी कैन सी how people are working. ये जो hours हैं ये आप हम किन hours की बात कर रहे हैं like is it attending meetings like this one also do they also count या is it working on a project with the students या कौन से hours? On a project with the students of course. ये तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके का आप समझ लें कि अपना time है जो हम अपनी planning के ऊपर खर्च कर रहे हैं लेकिन जो असल वैल्यू स्टूडेंट्स को जाएगी वो तो जब ही जाएगी जब आप किसी को मेंटर कर रहे हैं जब आप किसी एडवाइजरी बोर्ड में हैं जब किसी की आप क्या कहते हैं अपना डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट की मदद कर रहे हैं तो दैट इज द टाइम दैट वी विल बी काउंटिंग अच्छा ठीक है एंड आई एम होपिंग दैट दीज मीटिंग्स आर रियली रियली लेस एंड दे आर नॉट यू नो वेरी लॉन्ग मीटिंग्स लेस एंड शॉर्ट मीटिंग्स आर ऑलवेज यू नो बेनिफिशियल Okay, ji. Anybody else before we close this meeting? Thank you, Hasan. It was very useful. और बहुत अच्छा लगा सब लोगों से मिलकर. Next time I'll have my video on. आज जरा comfortable हूँ इसलिए video नहीं on की. Hasan, I have one recommendation. If it's possible, maybe you should have a group for like whoever comes to the meeting. We should have. With if everybody agrees, we can have a WhatsApp group because some of the us are like you know different cities or countries.
So this way, at least we can interact each other and, you know, do the bonding, what we can do for each other. And that's how you grow, actually. So this is a good idea. We already have a group, WhatsApp group. So jo jo log commit karte ja rahe hain ki wo council ke member ban, leadership council mein aayenge, unko main add karta ja raha hun us group mein. So aap log please mujhe message bhej dein agar aap commit kar rahe hain. So I'll just add you to the group. Aur is tarike se WhatsApp ke upar kafi acha rehta hai. WhatsApp ke group bhi over time aisa ho jata hai ki phir aadmi ignore karna shuru kar deta hai. और यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर ये है 9319946726। तो अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे ऐड कर लें और मुझे एक मैसेज भेज दें, to confirm ke aap chahte hain ki isme leadership council mein aaye, so I'll add you to the WhatsApp group. Baki ye ke aap logon se one on one mein sabse baat karna chahta hun, to please let me know whatever time works for you. Main taqreeban 24/7 kaam karta hun, to lehaza koi aisa masla nahi hai ki aapko jis waqt bhi aapka time ho, we can inshallah find ways to. Acha, aap apna email address bhi zara kar sakte hain type yahan pe, email address. Ji ji bilkul, main de deta hun. Is hasan@ideagist.com. So, ये मेरा ईमेल एड्रेस है. HASSAN. ठीक है जी. Thank you again, guys, for patiently going through this meeting. मैंने टारगेट रखा था कि एक घंटे में इंशाल्लाह हम खत्म कर देंगे. I'll send you guys the recording, which you can later on share with anybody that you like. As I said, ये सारी की सारे जितने भी लोग आएंगे किसी न किसी रेफरेंस से आएंगे, सो यू गाइज कैन फाइंड आउट आपके सर्कल्स में अगर कोई और लोग हों जिनको आप चाहते हो कि वो आए, तो आप जरूर उनको बुलाएं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.